पर इस साइड पर सब ऊपर देख रहे हैं और यहाँ पर आप मिड और ट्यूटर देख रहे हैं। ये सारे जो है ऑटोमेशन में बनते हैं, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी हर्ट रेट हमें चाहिए उतनी ही हम इनको जो है प्रोवाइड करते हैं उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए ये दो सब ऊपर है हमारे इंच के अंदर है, यहाँ पर देखिए साइज सेम है और अलग अलग। और मेरे के अंदर एक साल के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही टावर स्पीकर लॉन्च करते हैं मगर जो है तबाही मचा देते हैं। और दोस्तों आज मैं आपको ऐसी जगह पर लेकर आ चुका हूं जिनके सामने, जिनकी ब्रांड के सामने बड़े बड़े ब्रांड के स्पीकर टावर भी मतलब फीके पड़ जाते हैं क्योंकि इनकी बेस क्वालिटी ऐसी है, पूरी इंडिया भारत में तबाही मचा रखी है और इनकी क्वालिटी के अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। अगर लगाना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए इस आउटलेट पे, शोरूम देख सकते हैं कितना प्यारा है। उसी तरीके से प्यारे प्यारे स्पीकर टावर और हर तरीके के अगर आपको चाहिए पूरी तरीके से बिजली से चलने वाले टावर इस तरीके के जिसने भोकाल मचा रखा है और जिसने दीवारें तक तोड़ रखी है, इस तरीके के आपको स्पीकर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं चारों तरफ ऐसे स्पीकर्स मिलेंगे जितने भी देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे एक ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेट कोई मटेरियल नहीं है, जो इसके अंदर लगे हुए वो आपको ऊपर दिख रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम इसको टेस्टिंग कराने वाले हैं। हेडफोन जरूर लगाना और अपने कानों को संभाल के रखना क्योंकि जब ये बजता है तो अड़ोस पड़ोस भी जगता है और शोर मच जाता है आसपास में। तो इसके साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मॉडल आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जिन्होंने इस स्पीकर्स को डिजाइन किया है वो प्रॉपर एक इंजीनियरिंग के कोर्स करने के बाद इसको डिजाइन किया है, मीन्स इसके अंदर जो भी कॉम्पोनेंट्स वगैरह यूज हो रहे सारे A1 ग्रेड लगे हुए, उसके बारे में पूरी जानकारी हम वीडियो में लेते हैं। आइए यहाँ के ओनर से मिलते हैं। दोस्तों द किंग ऑफ बेस नाम तो सुना ही होगा सर, हमारे साथ जुड़े हैं, कैसे हो सर? मैं बढ़िया, आप बताएं कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज मैं आपके पास आ चुका हूँ, आपके आउटलेट में राइट आ चुका हूँ शोरूम में। तो यहाँ पे काफी सारे स्पीकर्स देखा मैंने और काफी अच्छे भी लगे इनकी साउंड क्वालिटी। तो मतलब कैसे इस चीजों को डिजाइन किया आपने, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ किस तरीके से आपने इस चीजों को इसमें यूज क्या करते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब आपकी डिलीवरियां भी जाती है और लोग बड़े तारीफ करते हैं, आपके कमेंट भी काफी अच्छे अच्छे आते हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऐसा ब्रांड जो अभी शुरू हुआ कुछ ही टाइम के अंदर और 80-85% रिपीट कस्टमर है हमारा, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है फ्लो बीट्स के लिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मेरे ब्रांड का नाम फ्लो बीट्स है और बेसिकली मैंने साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद जो इस फील्ड के अंदर आया और आप लोगों तक ऐसी साउंड क्वालिटी पहुंचाई जिसकी एक्चुअल में यूथ को नीड है। मैं ज्यादातर देखिए यूथ के लिए हूं क्योंकि यूथ के लिए क्या होता है उनको रोलिंग बेस पसंद आती है, जो गाड़ियों के अंदर बेस को आप फील करते हैं वो बेस मैं आपको घरों के अंदर देता हूँ। वो कैसे कैपेबल, कैसे पॉसिबल हो पाती है, हम कैसे कैपेबल है उनको बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट यूज करते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट्स या फिर अगर एक बाजार जहां पर सब कुछ बनता है सब कुछ बिकता है वहां से हमारे कंपोनेंट नहीं आते। इवन के हमारी जो वायर होती है वो भी जो कपलर सिस्टम होती है हम लोग जो है यहाँ पर टांकों वाला काम नहीं करते, आयरन सोल्डर वाला काम नहीं करते, बिल्कुल कम से कम करते हैं। उसके अलावा जितने भी मेरे सबवूफर जो बनते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनके अंदर यहाँ पर इस साइड पर आप देखिए जितने भी ये सबवूफर यहाँ पर इस साइड पर आप सबवूफर देख रहे हैं और यहाँ पर आप मिड और ट्यूटर देख रहे हैं, ये सारे जो है ऑटोमेशन में बनते हैं, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज रेट हमें चाहिए उतनी ही हम इनको जो है प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इन जो कैबिनेट्स है इनको ट्यून करना, एक कैबिनेट को ट्यून करना ये सबसे बड़ी कलाकारी है, सबसे बड़ी कारीगरी। अगर आप देखोगे तो मेरे पास कोई बहुत सारे मॉडल्स आपको नहीं मिलेंगे, मैं मॉडल्स के अंदर नहीं उठाता, मेरे पास सिर्फ वही लोग आते हैं जो बेस लवर्स होते हैं। इवन के लोग 50-50 हजार 60-60 हजार 1-1 लाख रुपए खर्च करके भी उनको जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जो सेटिस्फेक्शन मैं उनको सिर्फ 15,500 के अंदर देता हूँ। ऐसे हीरा 4 प्रो के अंदर एक साल के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही टावर स्पीकर लॉन्च करते हैं मगर जो है तबाही मचा देते हैं और ऐसी चीज लाते हैं कि दीवारें खिड़कियां और लोहे के सरिये तक हिला देते हैं। ये सारी चीजें आज आपको बाय प्रूफ दिखाऊंगा, बस आपको हेडफोन लगाना है। और आज के बाद जो है जिसने ये वीडियो देख ली उसकी लाइफ जो चेंज होने वाली है, कि नहीं उसके पैसे भी बचेंगे प्लस जो है उसको ऐसी चीज दिखने वाली है सामने कि जिसको एक्सप्लोर करने के बाद जो आपका माइंड पूरा ही चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साउंड के सिग्नेचर्स भी आपको बताऊंगा, लोअर फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी आपको बताऊंगा और उसके अलावा रोलिंग बेस क्या होती है ये आपको दिखाऊंगा, फील करवा के दिखाऊंगा, बस आपको हेडफोन्स पहनने हैं तो स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, तो एक एक करके हम मॉडल्स की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे काफी सारे मॉडल्स हैं, सारे देखने में लगभग सेम है बट सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है जो कि डिफरेंस आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और प्राइसिंग में भी डिफरेंस है और ऐसी प्राइस होने वाली है जैसे मार्केट में अगर जिस क्वालिटी का यहाँ पे आपको 15-20 हजार की रेंज में मिल जाएगा मार्केट में लेने भी जाओगे तो लगभग लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं उसके भी लाखों रुपए। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ कि मेरे को रोड साइड टावर के साथ बिल्कुल कंपेयर मत करना, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वहीं से लो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई सस्ता मिल रहा है जो सस्ते के पीछे है वो तो भाई वहीं जाना, मेरे पास नहीं जाना, मैं तो साफ ही बोलता हूँ। क्योंकि अभी भी मेरे टावर स्पीकर्स जैसे हीरा 5 प्रो मैक्स
और ये अल्ट्रा अभी जो लॉन्च होने वाला है 5 सितंबर को, जो हमारा इस साल का मॉडल है 5, यहाँ पर 4 है, तो उसके लिए जो है हमारी वेटिंग चलती है जितने भी नए मॉडल है। तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि मेरा प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं है, मेरा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेस चाहिए, वो भी ऐसा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ना सुना हो। ये मैं बिल्कुल ठोक के बोलता हूँ, दावे से बोलता हूँ। एक्सप्लोर कर लेना या फिर यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लो बीट्स का लेवल क्या है, बेस का लेवल क्या है हमारी। तो यहाँ पर आपको दिखाए थे स्टार्टिंग पहला मॉडल डबल टावर के अंदर ही दिखाऊंगा आपको। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं सिंगल टावर में थोड़ा कम जाता हूँ। यहाँ पर देखना जितने भी मेरे पास टावर पड़े सबके अंदर सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल टावर है, और भी सिंगल टावर मिल जाएंगे पर थोड़ी सी मेरे पास कमी रहती है, क्योंकि डबल के अंदर जो चैनल बनते हैं ना डबल के, यानी जो बेस का आपको पूरा सराउंड बनता है, जो वाइब्रेशन आती है जिसको हम रोलिंग बेस बोलते हैं, उसका मजा ही अलग है। और वो मैं आपको मात्र 4000 रुपए से भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं हमारा फ्लो बीट्स का पार्टी बूस्टर मॉडल, पार्टी अच्छा। बूस्टर मॉडल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 इंची यहाँ पर मिड रेंज और 4 इंची हाइज मिल जाती है। okay. और इसके अलावा साइड में एक बार देख लीजिए, जिन लोगों को नहीं पता, ये जो है आपका 5.25 इंची सबवूफर आता है एक यहाँ पर और एक आपको इस साइड में मिल जाता है, दोनों साइड रहेगा जी हाँ। अब जो लोग तो नए हैं उनको तो बताना पड़ेगा, जो लोग पुराने उनको बताने की जरूरत नहीं। ये जो होता है यहाँ से आपकी वोकल आती है, यहाँ से आपकी जो है बीट्स आती है और साइडों से आपके जो है बेस आती है। इसके अलावा 20 इंच हाइट के अंदर ये रहने वाला है आपका टावर स्पीकर, और इसी के साथ डबल टावर होने के साथ इसके सामने आपको फ्रंट के अंदर माइक मिल जाता है। ये वॉल्यूम का कंट्रोल, ये ट्रबल का कंट्रोल, ये बेस का कंट्रोल, साथ ही साथ जो है इसकी बैक साइड में आपको जो है इंटरकनेक्टेड जो है वायर्स मिल जाती हैं, वो आपको दिखा देते हैं एक बारी ताकि आप लोग क्लियरली जान पाए। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमारी वायर्स भी देखिए कितनी हैवी होती है यहाँ। और इसके अलावा कपलर सिस्टम करते हैं, अगर ये छोटी छोटी चीज भी हम लोग बचाए ना तो कम से कम भी जो है 500-700 रुपए तो ऐसे ही बच जाएंगे। यानी ये टावर आपको मार्केट के अंदर 3500 का भी मिल जाएगा, मगर लाइफ की बात होती है, साउंड की बात होती है। ये छोटा सा ही टावर जो है अपना बड़े बड़े टावर स्पीकर को फेल कर देता है। मैं आपको साउंड सिग्नेचर बताता हूँ, 4 तरीके के साउंड सिग्नेचर होते हैं, पंच बेस, डीप बेस, अल्ट्रा डीप बेस और एक रोलिंग बेस जो हमारे द्वारा आपको दी जाती है फ्लो बीट्स के द्वारा। पंच बेस आपको सब जगह मिल जाती है, डीप बेस और अल्ट्रा डीप बेस के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स 1-1 लाख 2-2 लाख के 1.5 लाख के सिस्टम से लेने पड़ते हैं। उसके अगेंस्ट जो है एक रोलिंग बेस जो है आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, वो वाली बेस की फील जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है हम लोगों के लिए। हम लोग क्या करते हैं जो यूथ होता है, दो साउंड हम लोग क्या करते हैं जब यूथ होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दो जो है बेस ट्यूब घर के अंदर लगाते हैं, पेटी लगाते हैं घर के अंदर, उसके अलावा जो है हम एम्प लगाते हैं डबल चैनल का, और जो उसका पूरा सेटअप बनाते हैं, सेटअप बनाने का उसकी कॉस्ट जो आती है वो 60,000, 40,000, 30,000, 35,000 तक आती है कॉस्ट, मगर फिर भी है तो जुगाड़ का जुगाड़ ही। वही फील जो है मैं आपको यहाँ पर देता हूँ अपने ये टावर स्पीकर से। और एक चीज और नोटिस करना, टोटली जो है यहाँ पर देखिए, चाहे वो स्मॉल हीरा हो, चाहे वो हीरा 2 हो, चाहे वो हीरा 1 हो, चाहे वो हमारा यहाँ पर मिनी 4 हो, और इसके अलावा हीरा 3 प्रो, चाहे कोई मॉडल, सारे आपको वुडन में ही मिलेंगे, क्योंकि जो बेस, जो थंपिंग बेस आपको जो है वुडन में मिलेगी वो प्लास्टिक के अंदर नहीं मिल सकती, चाहे जितना मर्जी आप कोशिश कर लीजिए। अच्छा। शेल जो है वो वुडन का ही चाहिए उसके लिए, मतलब अपने पास जितने भी है लगभग टावर सारे के सारे अपने वुडन में ही है ना, सारे वुडन में। अगर मैं बात करूँ 5 की भी तो देखिए 5 प्रो मैक्स में क्या हो रहा है, अब आगे पूरा जो है पैनल सिस्टम है, यानी अब आगे जो आएगा आपको कुछ इस तरीके का मॉडल आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको आज बता दिया है कि कुछ लुक जो है इस टाइप की आने वाली है 5 के अंदर। अब क्या है कि अगर ऐसी लुक देनी है तो पैनल लगाने पड़ेंगे, पैनल लगाने से आपको ये लगेगा यार प्लास्टिक आ गया, मगर जो पीछे उसके है पूरा वुडन का शेल बनाया गया, उसके बाद जो आगे पैनल्स लगाए गए हैं तो जाके जो एक मॉडल जो है हमारा डिजाइन हो रहा है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए हमारा ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड मॉडल जो है बहुत ही जबरदस्त मॉडल, जिनको जो है ज्यादा हाई वोकल्स नहीं चाहिए, बैलेंस साउंड चाहिए उनके लिए बेस्ट चाहिए, क्योंकि फुल रेंज के स्पीकर्स यहाँ पर लगे हैं और 6-6 इंची 2 मिड रेंज है, सॉरी 6-6 इंची 2 सबवूफर है यहाँ पर, और ये जो है 7294 आईसी के अंदर बनाया गया है। अच्छा जी हाँ, यहाँ पर ये चीज नोटिस कर लेना कि भाई आईसी में जरूर बताऊंगा, 4 तरीके के आईसी होते हैं, 20-30, 20-50, 72-65, 72-94, ये जो है 72-94 आईसी के अंदर सबसे टॉप होता है। इसके बाद जो है मॉस्फेट चालू हो जाते हैं, फिर अगर आपको बहुत हाई प्रोफाइल साउंड चाहिए तो आपको मॉस्फेट में जाना ही पड़ेगा, मगर उनकी भी एक लिमिट होती है, देखो हमें उतना ही पानी देना है जितनी हमें जरूरत है। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मॉस्फेट जो है हर जगह जरूरत नहीं होती है, बहुत बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, अगर आप बोलोगे भाई इसके अंदर मॉस्फेट चाहिए तो नीड नहीं है। तो यहाँ पर जो है 72-94 आईसी के अंदर इसको बनाया गया है, हाइट 24 इंच है इसकी, और इसके अलावा दोनों जो है इंटरकनेक्टेड टावर है एक दूसरे से, इसके अंदर भी आपको ऐसा कपलर मिल जाता है, यहाँ पर आप देख लीजिए मेल फीमेल वाला कपलर मिलता है यहाँ पर, देखिए मतलब बिल्कुल अलग डिफरेंट चीज मैं बनाऊंगा, मैं नॉर्मल चीजों में बिलीव करता ही नहीं हूँ। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल है, कनेक्टिविटी के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर ब्लूटूथ, ऑक्स, यूएसबी, एफएम रेडियो,
और एक चीज यहाँ पर अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये आपका जो है 120 आरएमएस वाट के अंदर रहेगा, तो वहीं पर आपका ये वाला जो है 100 आरएमएस वाट के अंदर रहेगा। ये 120 आरएमएस जी हाँ, एक घर के लिए 100 आरएमएस वाट इनफ होता है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सीरियल वाइज सारे मॉडल बढ़ते जाते हैं और उसके बाद आपको एक चीज मैं समझाऊंगा कि मैग्नेट का क्या रोल रहता है। मैग्नेट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी चीज के अंदर, क्योंकि आपको मार्केट के अंदर यही उलझाया जाता है कि भाई 10 इंची मेरे से ले लो मैं सस्ता दे दूंगा आपको। भाई सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना कभी भी, 1500 बचाया 2000 बचाया तो क्या बचाया, बचाना ही है तो 50-60 हजार रुपए बचाओ। और जहां पर एक चीज बच जाती है उसके बाद उसमें से कभी आप 1000-2000 बचाने की कोशिश करोगे तो धोखा ही खाओगे हमेशा। तो यहाँ पर उसके बाद जो हमारा अगला मॉडल 150 आरएमएस वाट के अंदर ये आपको मिल जाता है, जो कि स्मॉल ही है। जी हाँ, 120 का 150 आरएमएस वाट स्मॉल ही रहा, 8-8 इंची 2 सबवूफर और इसके अंदर 100 मैग्नेट मिलती है आपको, 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची हाइस, 24 इंच हाइट के अंदर। यहाँ पर देखेंगे तो विड्थ इसकी ज्यादा हो गई ब्लैक डायमंड से। ओके, तो आरएमएस का क्या रूल होता है सर? आरएमएस रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं इसको, यहाँ की नहीं कितने इंच के अंदर जो है हमारा जो है ये बेस या साउंड डिलीवर कर रहा है अपना प्रोडक्ट जो है। ओके जी हाँ ठीक है, ये स्क्वायर इंच के हिसाब से इसको जो है नापा जाता है, इसकी अलग से जो है मशीन होती है वो बहुत डीपली हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें 7294 आईसी के अंदर इसको बनाया गया है, 24 इंच हाइट के अंदर बनाया गया है। इसके अलावा कंट्रोल इसके सारे साइड में दिए गए हैं, अगर आपको लग रहा है वोकल ज्यादा है तो ट्रबल यहाँ से कम कर सकते हैं आप, अगर आपको लग रहा है बेस ज्यादा है तो बेस यहाँ से कम कर सकते हैं। इतना छोटा ही बेस जो है आपको, मतलब आप अनएक्सपेक्टेड बेस है इसका, आप इमेजिन नहीं कर सकते यार इसके अंदर भी इतना बेस निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सबवूफर इसके अंदर जो है, फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे नॉर्मल नहीं होते, हम लोग ऑटोमेशन में बनाते हैं। उसके अलावा जो है हमारा जो इसके अंदर आईसी लगी होती है वो एक्चुअल में जो चाहिए आईसी इसको वही उससे ऊपर ही दी गई है 7294 आईसी। साथ ही साथ इसके अंदर जो है आपको ट्रांसफार्मर प्योर कॉपर का ट्रांसफार्मर हम लोग लगाते हैं और वो भी जितने एम्पेयर चाहिए उतने एम्पेयर देते हैं हम लोग। जो है ये नहीं कि एम्पेयर को कम करके करंट बढ़ा दिया, जिसके से आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास जो टावर स्पीकर है कुछ टाइम तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे आवाज बैठनी चालू रहती है, वो यही एक रीजन है आज जान लो मेरे से। अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको हीरा 2 देखने को मिल जाएगा और ये नीचे हीरा 1 है। हीरा 1 यहाँ पर आप देख लीजिए, हीरा 1 के अंदर भी 8 इंची सबवूफर मिलता है, यहाँ पर जो 8 इंची इसके अंदर है वही 8 इंची 100 मैग्नेट इसके अंदर है और इसके अंदर आपको 4 इंची मिड रेंज 4 इंची हाइस, मगर यहाँ पर हाइट बढ़ गई 32 इंच की हाइट हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या है कि इसके अंदर शेल का साइज बढ़ने की वजह से ये 200 आरएमएस वाट पावर हो गया है और इसके अंदर ट्रांसफार्मर बढ़ा दिया गया है और साथ ही इसका सर्किट भी बड़ा कर दिया गया, डबल 7294 आईसी में कर दिया है। और यहाँ प्राइसिंग की बात करें तो सिर्फ 7000 रुपए प्राइस है, प्राइस जो भी बताऊंगा वो पत्थर पे लकीर है भाई मेरे को, यहाँ की ये मत बोला करो भैया प्राइस कम कर लो कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ साउंड के पीछे बेस के पीछे भागता हूं, मैं बेस लवर्स के लिए हूं, मैं आम लोगों के लिए नहीं हूं, ना ही मैं चाहता हूं कोई यहां पर ऐसा बंदा है जिसको जो है सस्ता चाहिए। सस्ता तो भाई आपको पता है मार्केट में दुनिया भर का सस्ते सस्ता ले लो आप, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 7000 रुपए के अंदर ये डबल टावर आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसका अपर वर्जन जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए, हीरा टू बीस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 10-10 इंची 2 सबवूफर 120 मैग्नेट के अंदर, 10-10 इंच के अंदर। जी हाँ, 10-10 इंची 120 मैग्नेट। अब यहाँ पर चेंज होती जा रही चीजें, वहां पर जो है 10 इंची यहाँ पर देख लीजिए 8 इंची 100 मैग्नेट था और यहाँ पर 10 इंची 120 मैग्नेट हो गया और यहाँ 4 इंची 2 मिड रेंज 4 इंची 2 हाइस, कंट्रोल ऊपर की तरफ है इसके, यहाँ पर देख लीजिए सेम एज इट इज कंट्रोल आपको हीरा 2 में भी मिल जाते हैं यहाँ पर, और इसके आप बेस ट्रबल दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इसकी प्राइसिंग की बात करें तो सिर्फ 8000 रुपए के अंदर आपको मैं दे दूंगा ये प्रोडक्ट, बस 8000 के बाद में कोई ये ना बोलो कि भैया 7900 कर लो 7800 कर लो, ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है 8000 रुपए के अंदर ये मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपनी क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। यहाँ से कस्टमर चला जाए मेरे को वो मंजूर है, पर कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं, क्योंकि क्या होगा आज यहाँ से जाएगा कहीं और से लेगा मजा नहीं आएगा, 1 साल बाद 1.5 साल बाद वापिस आएगा और ऐसा होता भी है मेरे साथ। तो यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं हम लोग अपने हीरा 3 प्रो की, हीरा 3 प्रो के बाद हीरा 3 प्रो मैक्स फिर हीरा 4। अब इसके अंदर मेन गेम है, यहाँ पर ये भी 10 इंच के अंदर बनाया गया, यानी समझ लीजिए 1, 2, 3 और 4 10-10 इंची 4 सबवूफर है, एक बार यहाँ पर देख लीजिए। इसके अलावा ये भी जो है 4 सबवूफर है 10-10 इंची, इसके अलावा ये भी 10 इंची 4 सबवूफर है। तो क्या फर्क है लेके 4 तक में सीरीज में अपने 10-10 इंच दे रखा है, मगर अब क्या फर्क है क्या डिफरेंस है? हाँ जी, यहाँ पर जो है ये 100+70 ड्यूल मैग्नेट है, 100 मैग्नेट उसके पीछे 70 मैग्नेट, यहाँ पर ये 120 मैग्नेट सिंगल मैग्नेट है मगर 120 है, और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी 10 इंच के अंदर 135 मैग्नेट है। तो ये देख लिया, मैग्नेट से खाली ये नहीं है कि मैग्नेट बढ़िया बस हो गया, नहीं, इसके साथ साथ मेरे को सर्किट भी चेंज करना पड़ेगा, इसके साथ साथ मेरे को जो है ट्रांसफार्मर के एम्पेयर भी बढ़ाने पड़ेंगे, यानी ट्रांसफार्मर का भी साइज बढ़ गया। तो फर्क मैं आपको ये, अब यहाँ पर आपको 2 सबवूफर से भी दिखाऊंगा
खोल के कि आपको उसके अंदर भी देखने को मिलेगा कि भाई 120 और 135 मैगनम में फर्क क्या रहता है, वो भी आपको दिखाएंगे। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो है आपका सबसे पहले हीरा सीरीज जितनी भी है, ब्लैक डायमंड हो गया, चाहे मेरा पार्टी बूस्टर हो गया, चाहे स्मॉल हीरा, चाहे हीरा वन, चाहे हीरा टू, हीरा थ्री प्रो, हीरा फोर प्रो, यहाँ पर और हीरा थ्री प्रो, सब रोलिंग बेस के अंदर आपको मिलेंगे। साउंड सिग्नेचर रोलिंग बेस है। अगर आपको अर्थक्वेक के साथ जाना है, यहाँ पर देखिए इंडिया का वन ऑफ दी टॉलेस्ट टावर स्पीकर, जिसकी हाइट जो है पौने 5 फीट के अराउंड है। 16 ड्राइवर इसके अंदर मिलते हैं, 8 सबवूफर, 4 मीटर इन, 4 इसके अंदर ट्यूटर मिल जाते हैं आपको। ये जो है मात्र 17,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा, मगर इसके अंदर आपको पंच प्लस डी बेस मिलेगी आपको। और ये जो है आपका ओपन एरिया के लिए भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वोकल बहुत हाई है इसके अंदर। तो सबसे बड़ा टावर है अभी तक। जी हाँ, ठीक है। तो अब आपको जो है मैग्नेट दिखाता हूँ मैं, सबवूफर के अंदर 2 मंगवा के आपको दिखाते हैं कि क्या साइज है, इससे कैसे पहचानते हैं। ये तो हम बता देंगे, इससे पहले जो आपने अब तक बताया उनकी एक बार प्राइसिंग थोड़ी सी एक बार रिपीट करते हैं। जी हाँ, प्राइसिंग आपको बताता हूँ। यहाँ पर हीरा 2 बीस्ट अगर आप देखेंगे तो ये 8,000 का, मतलब आपने स्टार्टिंग से बता दीजिए अपनी प्राइसिंग। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है हमारा पार्टी बूस्टर, ये आपको मिल जाएगा 4,000 का। इसके अलावा ब्लैक डायमंड आपको मिल जाएगा 5200 का, मगर एक ब्लैक डायमंड इसके साथ आपको कोर्डलेस माइक भी मिलता है 5200 के साथ। और यहाँ पर अगर हम आगे आए तो यहाँ स्मॉल हीरा के अंदर आपको जो है ये 5800 का मिल जाएगा, हीरा वन आपको 7,000 का, हीरा टू आपको मिल जाएगा 8,000 का, इसके अलावा हीरा थ्री आपको मिल जाएगा 11,000 का। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा ऑक्टेवियम 10.2 है, माइंड ब्लोइंग क्लैरिटी क्वालिटी है, वोकल जिसके सुन के देखो मजा आ जाएगा आपको। अच्छा। सिर्फ 12,500 के अंदर ये डबल टावर दूंगा। अगर ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल जो है एंटीक लुक के अंदर इसको बनाया गया है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। जी हाँ, और यहाँ पर देखिए वुडन के अंदर और ऊपर ब्लैक जिसके अंदर लगाया गया, नीचे फिर आपको ब्लैक का पोर्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया हीरा 3 प्रो 11,000 का, प्रो मैक्स हीरा 3 प्रो मैक्स आपको 13,000 का मिलता है, और साथ ही हीरा 4 प्रो आपको 15,500 का मिलता है। मतलब यही प्राइस है, फिक्स प्राइस है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, प्राइस के लिए ना बोला करो। अब मैं आपको खोल के 2 सबवूफर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको सर्किट भी दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 2 सबवूफर हैं हमारे 10-10 इंच के अंदर। यहाँ पर आपको फर्क दिखा देते हैं, ये देख लीजिए एक बार, ये 10 इंच के अंदर है यहाँ पर देखिए। हाँ जी, उसके अलावा ये भी देख लीजिए, ये भी आपका 10 इंच के अंदर है, ठीक है। पर दोनों देखने में तो अलग अलग है, दोनों हमेशा अलग अलग रहेंगे। चाहे 155 मैगनेट ले लीजिए, वो इससे भी लग रहेगा। अच्छा। क्योंकि सबका जो है डेप्थ डिपेंड करता है कि बेस कैसी रहेगी, उसके बाद जो है ये तय होता है। अच्छा। और अब इसको हम लोग घुमा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। पर इसमें एक में लेयर्स बनी, एक में लेयर्स नहीं बनी, क्या फर्क है? ये कौन है सिर्फ? अच्छा अच्छा, वो जो लेयर होती है वो अंदर होती है, वो आपको ऐसे नहीं पता लगेगा। जो 6 लेयर 4 लेयर होता है वो आपको ऐसे नहीं पता लगेगा। ओके जी हाँ, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, आपको यहाँ पर से ये लेयर बताते हैं। देखो कितनी लेयर, इस हिसाब से अगर मैं लेयर की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और क्या पता है कि इसके बाद भी एक लेयर हो। ओके 11, मगर इससे लेयर डिसाइड नहीं होती। नहीं, ओके। अब यहाँ पर आए थे कि मैग्नेट का क्या साइज है, यहाँ देख लीजिए। यहाँ जो मैं आपको बोलता हूँ 135 मैग्नेट साइज, ये देख लीजिए 135, ये 130 और ये आपका 5 135 मैग्नेट साइज जो आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा है। इसके अलावा 10 इंच आप देखना यहाँ पर, तो ये देख लीजिए, ये आपका 120 मैग्नेट, 120। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर 90 मैग्नेट भी आता 10 इंच के अंदर। और वूफर का साइज सेम है और मैग्नेट अलग अलग। और मेरे पास एक बार मोबाइल को, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कहीं भी चले जाओ, कहीं मतलब नाम लेते जाओ आप, यस 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 टिक मार करते जाना, एक भी दुकानदार, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो 90-17 से ऊपर 10 इंच के अंदर लगा रहा हो। क्यों भाई? जेबें भरनी है, अपने को जेब भरने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ क्या, चुनिंदा लोगों को सामान देना है, मगर टॉप क्लास देना है, टॉप नॉच देना है। यहीं पर बस नहीं होती, आपने आज से पहले इतनी बड़ी हीट सिंक नहीं देखी होगी। यहाँ पर देखो आप, ये देखो, ओ भाई ये हीट सिंक है इतना बड़ा, इतनी बड़ी हीट सिंक है यहाँ पर, ताकि लॉन्ग टाइम तक आप प्ले कर पाए। जितने मेरी हीट सिंक है उतने के अंदर जो है मार्केट के अंदर लोगों का सर्किट डिजाइन हो जाता है। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, जितने के अंदर मेरी हीट सिंक आती है उतने के अंदर मार्केट में सर्किट डिजाइन होता है 10 इंची 4 का। तो भाई कैसे नहीं सस्ता मिलेगा, कैसे नहीं 10-11 हजार के अंदर मिलेगा? मैं फिर से बोलता हूँ, लेके आओ, धोखा खा के एक बार ही आओ, ताकि आपको भी वैल्यू पता लगे फ्लो बिट्स की। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, टावर स्पीकर में आज तक कोई HDMI ऑप्टिकल इन नहीं दे पाया। यहाँ पर देखो HDMI और ऑप्टिकल इन दोनों का आपको ऑप्शन मिलता है, HDMI भी अवेलेबल और ऑप्टिकल इन भी है, दोनों चीजें दे रहा हूँ यहाँ पर, देख लो आपको। मतलब बड़े बड़े सिस्टम के साथ इसको इजीली पेयर कर सकते हैं। एक बड़ा ब्रांड है, उसने सिर्फ HDMI देने का 14,500 रुपए एक्स्ट्रा पे किया अपने मॉडल के अंदर। एक मॉडल उसका बिना HDMI के है और एक मॉडल HDMI के साथ है, दोनों में अंतर 14,500 रुपए। अब यहाँ पर नीचे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, भाई वो ब्रांड है, भाई वो ऐसे है, भाई वो वैसे है। भाई मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ
कि जब तक आपने इस हवेली में कदम नहीं रखा तब तक ही आपकी बातें हैं, उसके बाद जो है सुनने के बाद दिमाग ही जो है फ्लश हो जाता है, ऐसी चीज मैं बनाता हूँ। तो इसके बाद जो मैंने आपको वहां पर दिखाई थी हीट सिंक, अब वो देख लीजिए यहाँ पर मॉस्फेट देख लीजिए, ये मॉस्फेट है, ये पुराना सर्किट हो गया, ये देख लीजिए ये मॉस्फेट है, और मॉस्फेट भी हम लोग जो ऐसे स्क्रू के साथ टाइट करते हैं, अगर ये स्क्रू के साथ टाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे लूज होने चालू हो जाएंगे, और यहाँ पर मॉस्फेट और ये जो है हमारी हीट सिंक, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये शीट मिलेगी पतली सी, ये ताकि जो है मॉस्फेट इसके साथ टच होके शॉर्ट ना हो, शॉर्ट ना हो, ये बहुत बारीकियों का ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए सारे कपलर सिस्टम है, ये देख लीजिए सारे जैक सिस्टम है, ताकि कहीं पर भी जो है यहाँ पर जितने कम जैक होंगे उतना बढ़िया रहेगा, उससे क्या होगा अर्थिंग का हमिंग का चक्कर वो खत्म हो जाएगा। हर इन चीजों से हम बहुत पीछे चले गए, हम जो है यहाँ इनको छोड़ के बहुत आगे आ चुके हैं। तो अब बात करते हैं अपने मॉडल्स की, तो मैंने आपको सारी बता दी टेक्निक वगैरह कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं क्या करते हैं। अब बारी आती है टेस्टिंग की, पार्टी बूस्टर के बाद आपको हीरा वन की टेस्टिंग देता हूँ, ताकि आप लोग समझ पाए कि एक 7000 का मतलब बहुत इकोनॉमिकल रेंज है, इस रेंज के अंदर मैं क्या चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये जितने भी बोलते हैं कि भाई हमारे पास टावर है हमसे ले लो, ये कर लो वो कर लो, मतलब सिर्फ बातें ही करते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं अंदर से खोल के आपको दिखाता हूँ, अभी फिर से खोल के दिखाऊंगा कि वो जो चीज मैंने लगाई है वो उसके अंदर है कि नहीं है। एक बार इसको प्ले करते हैं, सर अब किसकी टेस्टिंग कराने वाले हैं? आपको सीधी हीरा 4 प्रो की टेस्टिंग करा रहा हूं दोस्तों। ये कोई आम सिस्टम नहीं है, ना ये आम लोगों के लिए, जो हार्ड कोर बेस लवर्स हैं ये सिर्फ उनके लिए 25 हर्ट्ज से परफॉर्म करने वाला अपने आप में एक लोता ऐसा सिस्टम है, जो कि 9.5 एम्पीयर ट्रांसफार्मर के अंदर डिजाइन किया गया है, और 13 mm इसकी वुडन की थिकनेस है। और एक कि इसके अंदर जो मॉस्फेट लगे हैं वो ओरिजिनल तोशिबा के लगे हैं। एक बार प्ले करते हैं इसको, पर वो ऐसे सिस्टम दिखा रहा हूँ जिसे चलने के बाद सारी चीजें हिलने लग जाए, ऐसे जो पहले दिखाया करते थे पहले ऑफिस में। हाँ हाँ बिल्कुल वैसा है, हीरा 4 प्रो चल रहा है, और यहाँ से फासला देख लो, वहाँ मॉडल मत दिखाना क्योंकि 5 पड़ा हुआ है। अच्छा, और यहाँ से वहाँ का फासला कम से कम 25 फीट है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं गिलास में नजर मार लो, डिस्टेंस से भी जी इतने डिस्टेंस से भी। अब आपको बाहर का भी हालात दिखाएंगे मगर इसमें नहीं, इसमें तो हालात खराब हो जाते हैं, आपको 5 प्रो मैक्स के अंदर दिखाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो है मेरा अपकमिंग मॉडल जो आने वाला है वो लॉन्च होने जा रहा है 5 सितंबर को, सिर्फ 15 दिन रह चुके हैं, 15 से 20 दिन, और इसके बाद आपको 5 प्रो मैक्स और मैक्स अल्ट्रा 3 वेरिएंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही धासू रहने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त रहने वाले हैं। अगर उनकी बात करें तो मैक्स के अंदर जो है 10-10 इंची 135 ड्यूल मैग्नेट होने वाला है, और अल्ट्रा के अंदर हमारा 12 इंची रहेगा 155 मैग्नेट, और इसके अलावा प्रो के अंदर सिंगल सबवूफर रहेंगे ड्यूल मैग्नेट 135 के। और अब टेस्टिंग देते हैं, आपको बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, तो हीरा 5 प्रो मैक्स की टेस्टिंग देता हूं, और बुकिंग बड़ी जोरों शोरों से हो रही है, पर आपको ये बता दूं कि अभी प्राइस 17,000 पे है, 5 तारीख को जैसे ही रिवील हो जाएगा प्राइस 18,000 या 18,500 हो जाएगा, और वेटिंग 45 डेज की चल रही है और आगे भी यही चलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जो है हमारे साथ कॉपरेट किया, और इतना ट्रस्ट करते हैं कि बिना देखे बुकिंग करवाते हैं, ऑलमोस्ट 1500-1600 के अराउंड जो है बुक हो चुके हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाजी अब तो उसकी टेस्टिंग कराते हैं जिसका सबको इंतजार है, हीरा 5 प्रो मैक्स का, हेडफोन्स लगा लो उसकी टेस्टिंग देने जा रहा हूँ, नजारा ही कुछ और रहने वाला है। हेडफोन ना खराब हो जाए तो मुझे बोल देना, एक बार टेस्टिंग देते हैं आपको। चलो तो भाई बोल रहे हैं कि नहीं हिलेगा, मैं बोल रहा हूँ हिलेगा, रिमोट तो हिल नहीं सकता। लो फिर और जब मतलब बस यही चीज है, नजारे बदल दिया आपने स्पीकरों के, तो मतलब इस तरीके के स्पीकर अपने पास ये देखने को मिलेंगे भाई, जो घर दरवाजे और पड़ोसियों को तक जगा देगा। स्पीकर्स का लेवल बदलने के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, और चोटी चोटी के जो इंजीनियर्स हैं उनको इकट्ठा करके लड़ी में पिरो के फिर जो है एक अपनी टीम बना के फ्लो बीट्स को जो है बनाया है बड़ी मेहनत से, ताकि यार जो बेस का सफर है जिस सफर में मैं सवार हूँ वो तय हो पाए, और आप लोग भी जो है मेरे साथ जो है उस बहाव। तो बुकिंग कैसे करना पड़ेगा इसको सर? ये जो है नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर लो, 3 नंबर आपको आ रहे होंगे, व्हाट्सअप कर लेना। देखिए व्हाट्सअप की अगर मैं टाइमिंग बताऊँ 11 बजे से लेके
शाम को 7 बजे तक ही होता है, उसके बाद आप करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। और प्लीज अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलता तो पैनिक ना होए, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया छोड़िए ग्लोबली डिलीवरी रहती है मेरे यहाँ, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक से जो है हमारे पास ऑर्डर आते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मगर फिर भी बोल रहा हूँ कि ये चीजें आपको उस प्राइस में देता हूँ कि आपने इमेजिन भी नहीं किया। 5 Pro Max तो देखोगे तो पसीने छूट जाएंगे आपके, यार ऐसी लुक, इतनी किलर लुक भी कोई दे पाएगा। थैंक यू दोस्तों, इस तरीके के सभी तरीके के स्पीकर आपको देखने में मिल जाएंगे। फटाफट से दिए गए नंबर पर कॉल करके फटाफट अपनी अपनी बुकिंग करवा लो, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हुए और वेटिंग आपको ज़्यादा करना ना पड़े, इससे पहले बुकिंग करवा लो। और बाकी जो हमेशा स्टॉक में रहता है वो स्पीकर आपके सामने लगे हुए जिसके आप ले सकते हैं। बाकी आपको ऑप्शन सारे मिल जाएंगे, विजिट करें एक बार स्टोर पर जरूर। ये है कि बुकिंग करवा के आए, एड्रेस बता दो सर, एड्रेस बता दो आने का। RZ119 केशवपुर सब्जी मंडी, गेट नंबर 1 के अपोजिट रोड है, और वहां पर आपको गैस एजेंसी मिलेगी, उसके अपोजिट आपको जो फ्लो बीट्स मिल जाएंगे, कॉर्नर की बिल्डिंग है हमारी, ऑन रोड पे ही है हम लोग। मेट्रो स्टेशन अभी के लिए नियरेस्ट सुभाष नगर, बाकी उससे भी नियरेस्ट बन रहा है, पैदल का रास्ता है, उसके लिए टाइम लगेगा, पर अभी सुभाष नगर से आ पाएंगे।